एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था। अपने सबसे पहले ऑप्टिक्स के जो सिंपल फैक्ट्स है उनको देख रहा था। उसमें अपन ने 3 पॉइंट्स देखे थे। सबसे पहले जैसे एक तो कोई भी लाइट रे है वो स्ट्रेट पाथ पे जो है मूव करेगी जब तक कि उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। सेकेंड अपन ने पढ़ा था कि एक रे का दूसरी रे पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, मतलब इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। थर्ड अपन ने पढ़ा था कि अगर किसी भी लाइट रे की डायरेक्शन अगर अपन रिवर्स कर दें तो वो अपना पाथ रिट्रेस करने लगती है। उसके बाद अपन ने रिफ्लेक्शन देखा था। रिफ्लेक्शन के बेसिक लॉज देखे थे अपन ने। फर्स्ट लॉ अपन ये देखा था कि जो नॉर्मल वेक्टर है इंसिडेंट वेक्टर रे का वेक्टर है और रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर होते हैं, यानी इनका बॉक्स प्रोडक्ट जो आएगा वो जीरो आएगा। ये सब अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने सेकेंड जो देखा था वो देखा था कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल जो है आई इक्वल टू आर होता है, या फिर इसको अदर वर्ड्स में ऐसे ही बोल सकता हूं कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का अगर नॉर्मल के साथ एंगल सेम है तो डेफिनेटली मिरर के साथ भी एंगल सेम होगा। तो इतना अपन ने पढ़ा है। अगर तुम्हें इतना आता है तो रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तुम सब ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल ये है, लेट्स से कि इस टाइप से अपन ने टू मिरर प्लेस कर रखे हैं। और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है। टू मिरर इस टाइप से प्लेस कर रखे हैं, क्या हुआ, डिस्टरबेंस कैसा है? इसको मैं मिरर मेरे भी मन में वो इच्छा ऐसा थोड़ी ना रहता से। तो तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इसको मैं फर्स्ट मिरर बोल लेता हूं, इसको सेकंड मिरर बोल लेता हूं। और एग्जांपल ये है कि फर्स्ट मिरर पे अपन ऐसे किसी एंगल पे अपन कोई रे इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो अपने को पता करना है कि इस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई कितना होना चाहिए फॉर विच दिस लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो अपना एग्जाम्पल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए फॉर विच दिस लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए जिससे ये जो रे अपन इस फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट करवा रहे हैं ये इससे रिफ्लेक्ट हो गई, सेकेंड मिरर पे आएगी, सेकेंड मिरर से जब रिफ्लेक्ट हो रही है उसके बाद ये वापस अपने उसी पाथ को जो है ट्रेस कर रही है, रिट्रेस कर रही है। तो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना होना चाहिए ये अपने को पता करना है। तो एक एग्जांपल ऐसा मैं ट्राई करता हूं, उसके बाद सेकंड एग्जांपल तुम ट्राई करना। देखो सब लोग एक साथ कनेक्ट हो जाया करो, बार बार ये डिस्टरबेंस मत करो। हाँ सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि
पाथ अगर रिट्रेस कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? सेकंड वाले मिरर पे नॉर्मली फॉल कर रहा है। अपने को पता है रिट्रेस तभी कर सकता है जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब जैसे मिरर अगर ऐसा है और इस पे अगर इंसिडेंट ऐसा हो रहा है, इस टाइप से भी अगर इंसिडेंट हो रही है, यानी प्लेन के मिरर के साथ अगर 90 डिग्री ऐसे अगर इंसिडेंट हो रहा है, जिसको नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं, तो इस केस में रे जो है वापस से अपना पाथ रिट्रेस करने लगती है। ध्यान रखना ये दो सिंपल से केसेस ध्यान रखने हैं। अच्छा इस केस के अंदर बताओ आई कितना है? जीरो। आई क्या होता है? इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल, और नॉर्मल के पैरेलल ही है इंसिडेंट रे, इसका मतलब आई जीरो है तो आर जीरो होगा, इसका मतलब डेफिनेटली आने वाली और जाने वाली रे सेम पाथ को फॉलो करेंगी। ऐसे कैसे तुम मेरे को एक लॉजिकली बताओ कि अगर मैं इस टाइप से कोई रे इंसिडेंट करवा दू, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा है, मतलब इसका या इसको और भी मैं क्लोज बना लेता हूं, अगर मिरर के ऑलमोस्ट पैरेलल अगर कोई रे इंसिडेंट करवाए, मिरर के ऑलमोस्ट पैरेलल कोई रे इंसिडेंट करवाए, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी बताओ? पैरेलल। हाँ ऑलमोस्ट जैसे आई थी वैसे वैसे निकल जाएगी, ऑलमोस्ट पैरेलल निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि नॉर्मल, ये नॉर्मल बना लिया अपन ने, नॉर्मल के साथ जितना इंसिडेंट रे का एंगल होगा आई उतना ही आर होगा, तो डेफिनेटली अगर इसके ऑलमोस्ट नॉर्मल अगर कोई रे इंसिडेंट करवाओगे रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ, तो उसी टाइप से निकल जाएगी। उसके एग्जैक्टली नॉर्मल अगर मिरर के नॉर्मल इंसिडेंट करवाओगे तो नॉर्मल ही निकल जाएगी। इस केस में पाथ जो है वो रिट्रेस करेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन सिंपल है, अपने वो क्वेश्चन के अंदर क्या ध्यान रखना है, पाथ जब भी रिट्रेस करता है, जितने भी रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस करता है, इसका मतलब उतने रिफ्लेक्शन के बाद या उतने रिफ्लेक्शन के टाइम मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंट होनी चाहिए, तभी जो है वो अपना पाथ रिट्रेस कर पाएगी। अब ये बोलना है सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद या टू रिफ्लेक्शन के बाद, इसका मतलब सेकेंड रिफ्लेक्शन के टाइम या सेकेंड मिरर पे क्या ये नॉर्मल इंसिडेंट होनी चाहिए? यस सर। तो अपने को नहीं पता यहां पे एंगल कितना है, मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूं, तो अब जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो डेफिनेटली इस पे नॉर्मल होनी चाहिए, तभी ये अगर ऐसे जा रही है तो वापस से ऐसे आ जाएगी, ऐसे चली जाएगी, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो लॉजिकली सोच के बताओ, इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ एंगल तो सेम आता है, ये थीटा है ये भी थीटा होगा, अरे बोलो। हाँ सर। सिंपल ज्योमेट्री लगा सकते हो, अब इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल का आपने को पता है ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल का जो सम होगा 180 आना चाहिए, तो 90 प्लस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा कितना आएगा बताओ? ये थीटा कितना आना चाहिए? 30 डिग्री। और थीटा अगर 30 आएगा तो इंसिडेंट, ये अपने को पता 90 है तो ये कितना होना चाहिए? 60। और ये 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 60। यही तो पूछा था आपने को कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, तो आई कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यही अपना आंसर हो गया। तो सिंपल ज्योमेट्री है, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर कोई डाउट है किसी को? नो सर। सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। कोई डाउट नहीं राइट? यस सर।
ये दो मिरर अपन ने इस टाइप से प्लेस किए हैं। और इस फर्स्ट वाले मिरर के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट कर रहा है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल को ऐसे डिनोट करते हैं ना। यस सर। तो फर्स्ट मिरर और इंसिडेंट रे ये दोनों के दोनों पैरेलल है, तो अपने से ये पूछा है इन दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा है, तो थीटा कितना होना चाहिए यही अपने को सॉल्व करना है। फॉर विच दिस लाइट रे पैरेलल टू फर्स्ट मिरर रिट्रेसेस its path after third reflection, three reflection के बाद ये अपना path जो है retrace करता है, और तो इस angle theta की value solve करनी है अपने को, try कर सकते हो क्या? सब लोग ट्राई करो कि एंगल थीटा कितना होना चाहिए। दिस लाइट रे विच इज पैरेलल टू फर्स्ट मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। सब लोग ट्राई करो। सर वो सेकेंड रिफ्लेक्शन होगा ना? नहीं, थर्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसको बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि थर्ड रिफ्लेक्शन कैसे होगा। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं अच्छे से बना लेता हूं। थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छा बना लेता हूं ताकि आप समझ में आ रहा हो। थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि तीन रिफ्लेक्शन होंगे कैसे, उसके बाद तुम ट्राई करना। देखो, अपने को पता है जैसे इधर से रे आ रही है, तो जितना मिरर के साथ ये एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का ये एंगल होगा। तो कुछ रे जो है कुछ इस टाइप से आएगी क्या? अगर ये एंगल और ये एंगल सेम रहना है तो रे कुछ इस टाइप से आएगी क्या? अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हेलो, अपने को पता है कि रे अगर इधर से आ रही है तो इसका नॉर्मल के साथ तो एंगल इंसिडेंट रे का आई और आर ये तो सेम होगा ही सही, मिरर के साथ भी एंगल सेम होता है। तो ये एंगल अगर कुछ थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होने के लिए ये कुछ इस टाइप से आएगी। अब इसका ये एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का ये एंगल ये दोनों सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद अपने को बोला गया है कि वापस रिट्रेस करना चाहिए, क्योंकि तो क्या थर्ड टाइम जब ये मिरर से कोलाइड करेगी या मिरर को से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए? यस सर। तभी तो भाई रिट्रेस करेगी पाथ को कि थर्ड टाइम जब मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है उस टाइम जो इंसिडेंट रे है वो मिरर के नॉर्मल होनी चाहिए, यानी ये एंगल जो है वो 90 होना चाहिए। तो अब सिंपल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री लगा के तुम सॉल्व कर सकते हो। कैसे?
देखो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को इसी ट्रायंगल के बारे में पता है, तो इस ट्रायंगल से मैं बोल सकता हूं कि थीटा प्लस 90 प्लस ये कुछ एंगल अल्फा मान लेता हूं प्लस अल्फा इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ क्या 90 माइनस थीटा हो गई, ये वैल्यू 90 माइनस थीटा है, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो तुमको सोच के बताओ, अपने को पता है कि ये टोटल एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा बताओ? थीटा थीटा थीटा, और ये अगर थीटा है ये 90 है तो ये कितना होगा बताओ? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा बताओ? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, वो 90 माइनस 2 थीटा होगा ना, कौन सा जो आपने अभी लिखा 90 माइनस थीटा? एक सेकंड वापस देख लेते हैं कि ये अल्फा जो है आ गया आपके पास 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? टोटल एंगल 90 है तो ये थीटा होगा, अरे ये इस पे इस मिरर का मैंने नॉर्मल बनाया, इस मिरर का नॉर्मल बनाया तो ये एंगल ये, अच्छा मेरे को पहले इतना बताओ कि ये समझ में आया कि है अल्फा 90 माइनस थीटा है? Yes. उसके बाद ये एंगल थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा, तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? अरे ऐसे देखो, इस ट्रायंगल से अपन ने निकाल लिया कि ये अल्फा जो है वो 90 माइनस थीटा होगा, और इस मिरर पे मैंने नॉर्मल बनाया तो ये एंगल अगर अल्फा है जो कि 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल सेम होता है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोलो। तो अब इस ट्रायंगल से, हाँ अपन ये ओनली फॉर थीटा ही ले रहे थे, इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल थ्री एंगल का सम जो है 180 आना चाहिए, तो ये कितना है 2 थीटा, ये कितना है 90, और इसको कुछ x मान लेता हूं इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 2 थीटा, तो ये आ गया अपने पास 90 माइनस 2 थीटा, और रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ जो एंगल होता है वही इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल होता है, यानी ये भी कितना होगा 90 माइनस 2 थीटा। अरे बोलो। यस सर। सिंपल ज्योमेट्री है, समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस सर। डाउट हो तो मैं वापस बता देता हूं, किसी को डाउट हो तो वापस बता देता हूं। अब ये जो लाइन है वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल है, तो अगर ये फर्स्ट मिरर के पैरेलल है तो क्या ये एंगल थीटा और ये एंगल 90 माइनस 2 थीटा इक्वल होना चाहिए? यस। तो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग 90 माइनस 2 थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू
30 डिग्री, थीटा जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए, तभी इसलिए अपन मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए एंगल कम कर दिया था, एंगल थीटा 30 होगा तभी जो है फर्स्ट मिरर की पैरेलल आने वाली लाइन सेकंड मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगी थर्ड टाइम, उस टाइम नॉर्मल इंसिडेंट होगा, और नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो वापस पाथ को रिट्रेस करेगी, ये वापस ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलो। क्या सब लोग ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो? हाँ सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, राइट? तो इसका रफ कर देगा, तो ये रिट्रेसेस वाले क्वेश्चन सब लोग कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, हाँ तो आगे अपन और क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कि सपोज अगर अपन जैसे अपन कोई नॉर्मल रिफ्लेक्शन हो रहा है और उस रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर, अच्छा एक और किसी ने डाउट पूछा था मेरे से कि जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन के लॉज है वो एप्लीकेबल होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की होगी, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन होगी, बट जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है वो कंपल्सरीली फॉलो होगा, ये भी अपन श्योर नहीं है, क्योंकि अगर सरफेस बहुत ज्यादा रफ हुई सेकेंड लॉ डेफिनेटली फॉलो होगा, लेकिन जो फर्स्ट लॉ है अगर सरफेस कुछ अलग टाइप की हुई तो हो सकता है कि तीनों डिफरेंट प्लेन में हो, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, इसलिए अपन उसको स्टडी नहीं करते। ठीक है, तो उस सब के बारे में, सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे अपन पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल रिफ्लेक्शन के अंदर सपोज इंसिडेंट रे को या मिरर को अगर अपन रोटेट कर दें तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना रोटेट होती है, इसको पढ़ते हैं। तो इनको रिजल्ट के टाइप से ध्यान रखना है अपने को। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे को अगर रोटेट करते हैं, मिरर फिक्स है, मिरर में बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा है, जहां पे है वहीं के वहीं है, तो उसका रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट आता है इसको देखते हैं। तो देखो आराम से समझते हैं, जैसे ये कोई मिरर है, ये कोई रे इंसिडेंट हो रही है और इसका लेट्स से कि इसके साथ एंगल थीटा है, तो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल थीटा होगा, अपने को पता है, ये नॉर्मल बना लेता हूं। अब मैंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फर्स्ट टाइम जब इंसिडेंट रे बना है वो यहां पे, फर्स्ट टाइम जब रिफ्लेक्ट हो रही है वो रे ये है। अब मैंने क्या किया, मिरर को फिक्स कर दिया, मिरर यही भी फिक्स है, इंसिडेंट रे को मैं किसी एंगल से रोटेट कर दिया, मतलब ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया, थोड़ा सा इधर लेके चला गया या थोड़ा सा इधर लेके चला गया,
तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी डिस्प्लेस हो जाती है वो अपने को देखना है। तो लेट्स से कि अपन ने इसको कुछ अल्फा एंगल से इधर रोटेट कर दिया, यानी अब अपनी जो इंसिडेंट रे है वो ये बन गई। इंसिडेंट रे अगर ये बन गई तो अब ये एंगल अल्फा है, तो अब मेरे को बताओ इंसिडेंट रे का मिरर के साथ टोटल एंगल कितना है? थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे का भी मिरर के साथ थीटा प्लस अल्फा होगा? यस सर। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे का भी अगर थीटा प्लस अल्फा होगा तो पहले रिफ्लेक्टेड रे यहां पे है थीटा प्लस अल्फा लाने के लिए मतलब इधर जानी चाहिए, यानी अब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो यहां पे आ जाएगी, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा, क्योंकि ये थीटा प्लस अल्फा होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ढंग से देखना, देखो अपन ने इंसिडेंट रे को जो है अल्फा एंगल से क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो क्या रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई? यस सर। सबको समझ में आ गया? नहीं तो इसको रिजल्ट के टाइप से ध्यान रखना है कि इफ वी इंसिडेंट रे बाई एंगल थीटा देन, अच्छा मिरर फेस से ध्यान रखना, मिरर को अपन रोटेट नहीं कर रहे, बाई एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सर बोर्ड ब्लर है। क्लियर है सर? आ रहा है सर। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी एंगल थीटा से, बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट होगी। तो इंसिडेंट रे को अगर मैं आई बोलू, रिफ्लेक्टेड रे को अगर आर बोलू, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि थीटा ऑफ आई इक्वल टू थीटा ऑफ आर होगा बट माइनस साइन के साथ होगा, यानी इंसिडेंट रे को अगर थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट हो जाएगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। अब इसको अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लूंगा, डी थीटा आई अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ डी थीटा आर अपॉन डी टी, तो बताओ डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा? ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू माइनस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे कैसे एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो? तो देखो सिंपल ऐसे ध्यान रखना है कि अगर अपन इंसिडेंट रे को ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसके साथ साथ
उतने ही एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगी, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, एक की क्लॉकवाइज है तो एक की एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बट इन सबके अंदर ध्यान क्या रखना है, अपने को मिरर को फिक्स रखना है, अपन मिरर को बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है। मिरर को रोटेट करोगे तो उसका इफेक्ट अलग आएगा, उसको अपना भी देखते हैं। हाँ, तो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट आएगा समझ गए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपन वो सेकंड वाला केस भी देखते हैं, देख लेते हैं कि अगर मिरर को रोटेट कर दें तो क्या इफेक्ट आता है। इसको रफ कर दो क्या है? इसको रफ कर देगा? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट, जैसे अभी अपन ने इंसिडेंट रे को रोटेट करवाया, ऐसे कैसे मिरर को अगर रोटेट करवाया, और ध्यान रखना मिरर को रोटेट करवा रहे तब इंसिडेंट रे फिक्स है, मतलब इंसिडेंट रे वहीं के वहीं, उसको चेंज नहीं करना है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है उसको देखते हैं। तो सिंपल सी ज्योमेट्री है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये अपने पास कोई मिरर है, पहले इंसिडेंट रे लेट से कि यहां से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये फर्स्ट केस के अंदर है जब मिरर जो है वो इस सिनेरियो के अंदर है, मिरर को बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है। अब अपन क्या कर रहे हैं, मिरर को किसी एक डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर दिया और इंसिडेंट रे को यहीं का यहीं रखा, तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ेगा ये अपने को देखना है। तो देखो लेट्स से कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अपन ने क्या किया, इस मिरर को कुछ एंगल से रोटेट किया, लेट्स से कि अपन ने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया कुछ एंगल अल्फा से, तो अब मिरर कुछ यहां चला गया, अब मिरर अपना यहां पहुंच गया, तो सेकेंड केस के अंदर मिरर यहां पे पहुंच गया, इंसिडेंट रे अब भी वहीं की वहीं है, तो अगर मैंने इसको इधर से अल्फा अगर रोटेट किया है तो ये भी एंगल कितना होगा बताओ, अल्फा ही होगा। तो अब लॉजिकली सर वो नीचे वाला, नीचे वो नीचे वाला एंगल अल्फा होगा ना। अरे अरे हाँ ठीक है ठीक है, माफ कर दो, छोटी मोटी गलती तो हो जाती है ना, माफ कर दिया ना सबने। तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। तो अब सोच के बताओ मेरे को कि अच्छा इंसिडेंट रे अपन वहीं के वहीं फिक्स रख रहे हैं, तो अब नई कंडीशन के अंदर इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल कितना होगा? थीटा माइनस अल्फा। थीटा माइनस अल्फा। हाँ, पहले ये एंगल थीटा था, ये एंगल अल्फा है, तो थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ये एंगल। तो इंसिडेंट रे का अगर मिरर के साथ एंगल थीटा माइनस अल्फा है तो क्या रिफ्लेक्टेड रे का भी मिरर के साथ एंगल थीटा माइनस अल्फा होगा?
यस सर। अब अपनी ये मिरर हो गया, अब रिफ्लेक्टेड रे यहां पे कहीं पे होगी और इसका मिरर के साथ जो एंगल है, ये एंगल थीटा माइनस अल्फा होगा। तो फिर लॉजिकली सोच के बताओ कि फर्स्ट केस के अंदर रिफ्लेक्टेड रे और सेकंड केस के अंदर रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? अल्फा। अल्फा फर्स्ट केस के अंदर अपने ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा? तो देखो ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल टू अल्फा थीटा प्लस अल्फा, ये टोटल एंगल कितना है बताओ? थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा। उसमें से ये एंगल कितना है? थीटा माइनस अल्फा यानी इसको मैं माइनस कर देता हूं तो माइनस थीटा प्लस अल्फा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या टू अल्फा आ गया? क्या ये एंगल टू अल्फा होगा? यस सर। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अब अपन रिजल्ट के टाइप से ध्यान रख सकते हो, मैंने क्या किया, मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अल्फा एंगल से रोटेट किया, इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले यहां पे थी अब यहां पे पहुंची, मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो गई कितने एंगल से, टू अल्फा से, और सेम डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब अगर तुम इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को अल्फा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में रोटेट होगी लेकिन डबल एंगल से होगी, अल्फा से रोटेट करोगे तो टू अल्फा से रोटेट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो इसको भी तुम रिजल्ट के टाइप से जान सकते हो, इफ वी रोटेट मिरर इफ वी रोटेट मिरर बाई एंगल अल्फा या थीटा ही बोल देता हूं, थीटा कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड, तो इफ वी रोटेट मिरर बाय एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे will also be shifted by 2 theta in center। ऐसे लिख सकता हूं मैं कि theta of mirror equal to theta of mirror exit, theta of mirror equal to क्या या 2 into theta of mirror equal to theta of reflected ray होगा। अगर mirror को तुम theta angle से rotate करोगे तो reflected ray
टू थीटा से रोटेट हो जाएगी सेम डायरेक्शन के अंदर, यानी प्लस आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बोर्ड ब्लर है। मिरर इक्वल टू प्लस थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। टू इंटू थीटा ऑफ मिरर इक्वल टू प्लस थीटा इंटू मिरर, थीटा ऑफ मिरर। अभी विजिबल है क्या थोड़ा बहुत? हाँ सर। तो अपन ये बोल रहे हैं कि अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से रोटेट हो जाएगी। तो इसको डीटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि टू इंटू ओमेगा ऑफ मिरर, टू इंटू ओमेगा ऑफ मिरर इक्वल टू ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। टू इंटू ओमेगा ऑफ मिरर इक्वल टू ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये बात समझ में आई? अरे बोलो। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? हाँ, बोर्ड ब्लर है थोड़ा सा, वो नेटवर्क का इश्यू है, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट एडजस्ट कर लो। अब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो अपन क्या ही कर सकते हैं। कि अगर मिरर को फिक्स रखोगे, इंसिडेंट रे को रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगी बट सेम एंगल से रोटेट होगी। अगर तुम इंसिडेंट रे को फिक्स रखोगे, मिरर को रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेट होगी लेकिन डबल एंगल से रोटेट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको लव फॉर दो क्या है? यस सर। ठीक है, तो अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं इसी पे बेस्ड। एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। तो ये जो एंगल है
वो लेट से कि 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो डेफिनेटली जो रिफ्लेक्टेड रे है उसका भी मिरर के साथ एंगल 30 डिग्री होगा। इंसिडेंट रे का मिरर के साथ एंगल 30 है तो रिफ्लेक्टेड रे का मिरर के साथ एंगल भी 30 होगा। अब अपन ने क्या किया, इस मिरर को जो है वो 2 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और इंसिडेंट रे को भी क्लॉकवाइज 5 डिग्री से रोटेट कर दिया, 5 डिग्री से रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज। तो अब अपने को पता करना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद मिरर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद, या ऐसे नहीं, टोटल रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकाल लो, टोटल रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का टोटल रोटेशन कितना होगा? सर वो आपने मिरर 30 डिग्री से रोटेट किया है ना? क्या मिरर 30 डिग्री से रोटेट किया है ना? नहीं, मिरर को तो 2 डिग्री से रोटेट किया है, मिरर को क्लॉकवाइज 2 डिग्री से रोटेट किया है, इंसिडेंट रे को 5 डिग्री से रोटेट किया है। One degree anti-clockwise. हाँ, तो देखो दोनों को अलग अलग इफेक्ट देख लेते हैं कि अगर मिरर को 2 डिग्री से रोटेट करोगे तो मिरर की वजह से अपने को पता है कि सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेट होती है रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन डबल एंगल से होती है, यानी ये 4 डिग्री से रोटेट हो जाएगी सेम डायरेक्शन के अंदर। इंसिडेंट रे की वजह से अगर ये 5 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं अपन, तो इंसिडेंट रे की वजह से सेम एंगल से रोटेट होती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी ये 5 डिग्री से इधर रोटेट हो जाएगी, तो टोटल जो रोटेशन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा 1 डिग्री से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन सब लोग ट्राई कर सकते हो क्या? यस सर। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से बोर्ड वगैरह ब्लर दिख रहा होगा, अपन क्लास को अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं, बाकी अपन इस पे बेस्ड और क्लियर है सर। आप क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो। हाँ, तो एक और एग्जांपल देते हैं, एक तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जरा ध्यान दो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अपने पास एक कोई मिरर है, और
यहां से अपन कुछ लेजर लाइट से इस पे कुछ लाइट गिरा रहे हैं, और फर्स्ट केस के अंदर अपन जो है नॉर्मल इंसिडेंस करवाते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस करवाते हैं, और नॉर्मल इंसिडेंस करवाओगे तो तुमको सोचो क्या वापस से रे उसी डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी? यस सर। तो वापस यहाँ पे एक रेड स्पॉट बन जाएगा, अगर अपन लेजर लाइट यूज कर रहे हैं तो वापस यहीं पे इमेज बनेगी, यानी यहीं पे एक रेड स्पॉट बन जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे रखी है अपने को, डिस्टेंस दे रखी है अपने को 1.8 मीटर। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो मिरर है, इस मिरर को अगर अपन रोटेट करवा दें, जैसे मिरर को अपन ने रोटेट करवा, मिरर को अपन ने रोटेट करवा दिया, कितने एंगल से रोटेट करवाया? 3.5 डिग्री से, 3.5 डिग्री से, 3.5 डिग्री से अपन ने इस मिरर को रोटेट करवा दिया। तो अपने से पता करना है कि अब ये रेड स्पॉट कहां बनेगा, रेड स्पॉट कहां बनेगा मतलब अब जो इंसिडेंट रे है वो कहां जाके वापस इस पैटर्न पे मिलेगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसको रोटेट किया है अपने 3.5 डिग्री से, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1.8 मीटर है। पहले अपन नॉर्मल इंसिडेंट करवा रहे थे तो वापस रे यहीं पे आ रही थी, मतलब रेड स्पॉट यहीं पे बन रहा था, अब कहीं पे अब इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, सॉरी रोटेट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है रे किसी एंगल पे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्ट हो गई, यहां पे कहीं पे आएगी तो ये रेड स्पॉट शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग ऑफ ये रेड स्पॉट पहले यहां पे बन रहा था फर्स्ट केस में जब मिरर यहां पे था, तो जब मिरर को सेकंड केस में यहां पे बना लिया तो रेड स्पॉट जहां पे बनेगा, रेड स्पॉट की शिफ्टिंग पता करनी है। इसकी प्रॉपर लैंग्वेज को मैं एनसीईआरटी में देख लेना, मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूं शिफ्टिंग ऑफ रेड स्पॉट। हाँ, तो ये कैलकुलेट करो फटाफट, सब लोगों से हो जाना चाहिए। हाँ, सॉल्व किया है किसी ने? 1.8 × 10 7 degree। अच्छा, देखते हैं। तो देखो सेकंड केस के अंदर रिफ्लेक्टेड रे लेट्स से कि यहां पे पहुंच रही है, तो देखो अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं एक्स बोल देता हूं। तो देखो पहले जब इंसिडेंट करवाए थे रिफ्लेक्टेड रे वापस यहीं पे आ रही थी, मतलब यहां पे थी रिफ्लेक्टेड रे। अब मिरर को अगर क्लॉकवाइज 3.5 एंगल से अगर अपन ने रोटेट कर दिया तो क्या जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कुछ एंगल से सेम डायरेक्शन के अंदर रोटेट हो जाएगी, मतलब अब रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं आती इधर आएगी, और अपने को पता है कि मिरर के रोटेशन का डबल इफेक्ट आता है, यानी 3.5 से अगर मिरर को रोटेट करोगे तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी? 7 डिग्री से।
और अपने को रेड स्पॉट की शिफ्टिंग पूछी है, मतलब ये डिस्टेंस पूछी है, तो ये एंगल 7 डिग्री है, ये 1.8 मीटर है, तो एक्स कितना होगा बताओ? 1.8 इंटू टेन 7 डिग्री हो जाएगा, बोलो। हाँ सर। अच्छा तुमने मैथ्स में पढ़ा हुआ भी, अगर देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन अपन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करके कर सकते हो, कैसे? ये अगर टेन थीटा अपने को पता है, टेन थीटा को मैं ऑलमोस्ट थीटा लिख सकता हूँ, अगर थीटा स्मॉल है तो, बोलो। यस सर। तो टेन 7 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं? ऑलमोस्ट 7 डिग्री लिख सकता हूँ, लेकिन 7 डिग्री ये डिग्री में है, यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर सकता, यहाँ पे अपने को ऐसा ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन। रेडियन में, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 पुट कर लो, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10 7 की डिग्री वैल्यू कितनी आ गई? 22 अपॉन 180। तो ये वैल्यू यहां पुट कर लेता हूं, तो x की वैल्यू आ गई 1.8 10 7, 10 7 कितना है? 22 अपॉन 180। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 0.22 मीटर, और 0.22 मीटर का मतलब 22 सेंटीमीटर, यानी अगर तुम इस मिरर को 3.5 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो रेड स्पॉट है वो 22 सेंटीमीटर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे? लॉजिकली सोच के बताओ, अगर मैं इस मिरर को एंटी क्लॉकवाइज इतने ही एंगल से रोटेट करता तो क्या ये रेड स्पॉट नीचे शिफ्ट हो जाता? हाँ। ठीक है, तो बताओ ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। कोई डाउट नहीं किसी को, राइट? अरे ठीक है ना। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।